नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है इस बात का कि एक यूट्यूब क्रिएटर बिग बिलियन डेज, जो कि फ्लिपकार्ट का होता है या फिर अमेजोन का द ग्रेट इंडियन सेल फेस्टिवल होता है हर साल दीपावली से पहले, अभी आने वाला है कुछ दिनों में, 10 तारीख से 10 अक्टूबर से है, 4-5 दिन चलते हैं ये फेस्टिवल, और इस दौरान एक यूट्यूब क्रिएटर अपने एक वीडियो से, जो कि होता है इन्हीं चीज़ों के बारे में, या तो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के बारे में या फिर अमेजोन के ग्रेट इंडियन सेल के बारे में, और इस एक वीडियो से एक यूट्यूबर कितना कमा पाता है आपको ये देखकर आश्चर्य होगा आपको ये जानकर, और ये आप भी कमा सकते हैं अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो। कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको कि कितना कमा लेते हैं ये YouTube क्रिएटर्स। पिछले साल मैंने पहली बार ट्राई किया था Amazon के ग्रेट इंडियन सेल और Flipkart के ये बिग बिलियन डेज के बारे में वीडियो बनाया था और एफिलिएट लिंक्स डाला था उसके, और जो कन्वर्सन रेट था यानी व्यूअर्स पर सेल के हिसाब से वो इतना ज़्यादा, आम दिनों पे जो सेल होता है क्लिक करके कोई जाता है आपके लिंक पे और परचेस करता है, वो बहुत कम होता है कन्वर्सन रेट, लेकिन उस समय सभी मूड में होते हैं कि कुछ खरीदना है, कंपनी उधर अलग एक्साइटेड होती है, अलग अलग टीवी पे प्रचार करके लोगों को एक्साइट करती है, न्यूज़पेपर पे प्रचार करके करती है कि हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, लोग भी बहुत खुश रहते हैं कि फुलझड़िया मन में खुद उड़ते रहती है कि भाई ये खरीदना है, इतना सस्ता सेलफोन खरीदना है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, तो इस बीच में यूट्यूबर जो है अपना गेम खेल देता है और जो कुछ भी जितना कुछ सेल होता है उसमें उनका लगभग 12% तक का कमीशन जो है मिलता है हर सेल पे, लगभग अप टू 12% तक का कमीशन मिलता है। यानी आपको हम अंदाज़ा बता दें अगर, तो जितने आपके व्यूज़, मान लीजिए आपके वीडियो पे 50,000 व्यूज़ आ गए, मैंने दो वीडियो डाले थे, एक अमेजन पे, एक फ्लिपकार्ट के पिछले साल, और एक पे 20,000 व्यू थे, एक पे 30,000, और मैंने उससे कितने कमाए, टोटल व्यू हुए 50,000, और 50,000 रुपये मैंने केवल अफिलिएट मार्केटिंग से कमाए थे, और कुछ पैसे तो व्यू के आ गए थे, एड्स के आ गए थे। इस हिसाब से और जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं सभी लोग वीडियो डालते हैं इस चीज़ के बारे में और अपना लिंक डालते हैं, एफिलिएट का लिंक। वो लोग से मैं पूछा कि भाई आप कितना अर्न किए थे, कितना अर्न किया, सभी ने लाख्स के बाद आंकड़ा पर, मतलब 1,00,000 से ज़्यादा सभी ने, किसी ने 1,00,000, किसी ने 2,00,000, मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर ये कमाई होती है एक वीडियो से, सोचिए, और ये आप भी कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा आपको और ये चीज़ करना होगा। सबसे पहले, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं इससे। ये जो पैसे कमाने का ट्रिक है ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है बेसिकली, कि आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे जाके अपना एफिलिएट अकाउंट बना लीजिए, वहाँ पे आपको एक एफिलिएट लिंक मिलेगा आपका, जो कि आपको अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे डालना होगा, अगर ब्लॉगर है तो ब्लॉग में डाल दीजिए, या अगर आपके लिंक पे कोई क्लिक कर देता है आज और कल 24 घंटे के अंदर कोई कुछ भी खरीदता है, जाके वापस दोबारा कल भी ऑन करता है PC और खरीदता है, तो आपको ही वो कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये सब मैनेज होता है कुकीज़ के थ्रू, आपके लिंक को सेव कर लिया जाता है वहाँ पे कि यही आए थे लास्ट में क्लिक करके, और इन्हीं को मिलेगा कमीशन। बहुत फेयर और कंप्यूटराइज सिस्टम होता है पूरा, सब कुछ हिसाब किताब रखा जाता है और इसमें मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ बता दें आपको कि फ्लिपकार्ट जो है वो कैपिंग लिमिट डालना शुरू कर दिया है कि मतलब जितना आप क्लिक करके जाइएगा, जितना आपकी अर्निंग हो उतना नहीं देंगे, लेकिन इस बिग बिलियन डे में अक्टूबर में उन्होंने फ्रीडम दे दिया है कि नहीं भैया, यूट्यूबर्स लोग, इन्फ्लुएंसर लोग, आप लोग जितना बिचवाइए जो है हम आपको पूरा कमीशन देंगे, ठीक है। तो कितना मतलब ही है फ्लिपकार्ट, यहाँ पे देखिए, बाकी दिनों तो नहीं देता है, यहाँ पे देख रहा है कि लोग अमेजन से खरीद लेंगे, इसलिए आज अक्टूबर में वो लिमिट जो है बंद कर दिया है सभी के लिए। यानी आप फ्लिपकार्ट के लिंक डालेंगे इस महीने तो आप पूरा कमाई कर सकते हैं, जितना आपका सेल होगा उतना कमीशन देगा वो। चलिए कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको शुरुआती टिप्स जो है इसमें ध्यान रखनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले टिप नंबर वन ये है कि सिलेक्शन ऑफ वीडियो टॉपिक, कुछ भी मत बना दीजिए फ्लिपकार्ट अमेजोन के बारे में। आप देखिए, हर लोग अपने अपने हिसाब से बनाएंगे, आपके ऑडियंस किस चीज़ के हैं। मान लीजिए मेरे यूट्यूबर्स हैं तो हम यूट्यूबर्स के लिए बनाएंगे वीडियो, जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था कि टॉप डील्स फॉर यूट्यूबर्स, जैसे कैमरा वगैरह है, ट्राईपॉड हो गया, ये माइक हो गया, ये सब चीज़ बनाया था क्योंकि वो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हमारे ऑडियंस जो देखते हैं, और वो कन्वर्सन रेट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब जैसे दूसरे लोग हैं, शर्मा जी हो गए, रुहेज हो गया, या फिर और लोग हो गए, वो लोग अपने मोबाइल वगैरह के बारे में वो लोग करते हैं, तो वो लोग मोबाइल्स के बारे में बताएंगे कि कौन से बेस्ट डील है मोबाइल में। और ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लिक करके गया मोबाइल को, लिंक को, तो और कुछ भी वहाँ परचेज़ कर लेता है, कैमरा परचेज़ कर लिया, टीवी परचेज़ कर लिया, उसका लिंक, उसका कमीशन उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो
शुरुआती कोशिश यही करना है आपको कि जिस टाइप के आपके ऑडियंस हैं उसी हिसाब से वीडियो बनाइए। अब सवाल होता है कि वीडियो पब्लिश कब किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अगर आपके बने बनाए ऑडियंस हैं बहुत ज़्यादा, आपके अगर जो कहते हैं लॉयल, यानी आपके जो एक्टिव सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा, यानी वीडियो डाला तो 24 घंटे के अंदर आपका अगर बहुत ज़्यादा व्यूज आ जाता है, 10,000 जितना भी व्यू आता है उस वो प्रॉफिटेबल होता है, तो आप उस सेल के स्टार्ट होने से, यानी 10 को स्टार्ट हो रहा है तो 9 तारीख को 12 बजे रात में पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि उसकी लिंक की वैलिडिटी पूरे एक दिन होती है। अब 9 से 10 के बीच में जो लोग आपके एक्टिव व्यूअर्स आएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, देखेंगे वहाँ पे, तो मतलब 24 घंटे वैलिड रहती है ना, तो उस दौरान जो लोग भी क्लिक करके बस गए हुए हैं और अगले दिन यानी 10 तारीख को बस वो क्लिक करके चले गए, उस दिन कुछ परचेस किए नहीं है, किए तो मन है किए, और अगले दिन जो है वो कुछ भी परचेस करेंगे तो उनका कमीशन आपको मिलेगा। दूसरा ट्रिक इसमें यह है कि आप हर रोज़, यानी 5 दिन चलता है ये सेल, हर रोज़ उस लिंक को अपने कम्युनिटी टैब में जो है वो शेयर करते रहिए बार बार, है ना, हर रोज़, ताकि आपके ऑडियंस जो है उस पर नज़र बना रहे उन लोगों का, ठीक है। और बेहतर होगा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और जो भी जगह है वहाँ पे इसका प्रमोशन कर दिए, वहाँ भी वीडियो डालिए, वहाँ भी लिंक डालिए, ताकि वहाँ से भी आपको पैसे मिले। मतलब पूरा इस्तेमाल आपको करना है इस चीज़ का। टिप नंबर 2, जो कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यह वीडियो बनाइएगा तो वीडियो के शुरू होने के कम से कम 10 सेकेंड बाद रिमाइंड कर दीजिएगा लिख कर फ्लैशबैक वहाँ पे वीडियो के अंदर, कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं डील्स को। और लास्ट में भी आप वीडियो ख़त्म होने से पहले भी एक लिख कर बताइएगा, या फिर आप बोल भी दीजिएगा, बेहतर होगा, दोनों कर लीजिएगा, बोल भी दीजिएगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके जाइए, ताकि याद रहे, लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को। टिप नंबर 3, अब देखिए, जो आप लिंक क्रिएट करते हैं, बहुत से लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज हैं कि क्या पूरे अमेजोन के साइट का लिंक जो है वो हम डाल दें शॉर्ट करके अपना एफिलिएट बना के, या फिर प्रोडक्ट्स का लिंक्स अलग अलग करके। बहुत से लोग देखिएगा, जैसे टॉप 10 मोबाइल फ़ोन्स, टॉप 10 गैजेट्स, अंडर 500, अंडर 5000, 1 लाख, जो भी हो बनाते हैं उस टाइप से। तो आप अपने ऑडियंस को देखिए, ठीक है, और उस हिसाब से क्रिएट कीजिए। अब आपको हम बता दें कि अब चाहे आपका पूरा साइट का लिंक डाल दीजिए, या फिर एक प्रोडक्ट का डालिए, चाहे 10 प्रोडक्ट का डालिए, बंदा किसी भी लिंक को क्लिक करके जाता है, चाहे प्रोडक्ट के लिंक को, चाहे आपके वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके जाएगा, तो आपको कमीशन जो है मिलेगा ही मिलेगा जो बंधा हुआ है। टिप नंबर 4, बहुत से लोगों का सवाल होता है, क्या आपने हम इस वीडियो को एडवर्ड्स, गूगल के एडवर्ड्स से प्रमोट कर दें, और प्रमोट करके जो, क्योंकि इसमें कन्वर्सन रेट अच्छा होता है, और अच्छा होता है तो हमें जो पैसे लगाएंगे वो हम उससे ज़्यादा कहीं मिल जाएगा हमें। तो देखिए, डेफिनेटली कन्वर्सन रेट बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, आम दिनों जहाँ पे नॉर्मल दिन में कोई क्लिक करके एफिलिएट मार्केटिंग में 1% 2% का जो होता है कन्वर्सन रेट होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 10%, 8 से 10% तक का कन्वर्सन रेट इस दिन देखने को मिलेगा। इमेजिन है, मतलब आप आश्चर्य करेंगे इस चीज़ को, है ना। अगर आपका वीडियो वायरल हो गया तो खैर, मतलब आप तो ऐसा दिवाली मनाएंगे कि सोच नहीं सकते, मतलब पैसे पे सो के दिवाली मनाएंगे मज़े से। तो अब सवाल है कि एडवर्ड्स का इस्तेमाल करें या ना करें। इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी गूगल क्या करती है, इस दौरान जब फेस्टिव सेल स्टार्ट होता है, इस समय वो अगर आप फ्लिपकार्ट का ग्रेट इंडियन सेल या फिर कुछ भी यूज़ करेंगे वहाँ पे, तो वो CPC पर क्लिक रेट इतना ज़्यादा कर देते हैं कि आप के वो बजट से, मतलब बजट से बाहर नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, कन्वर्सन रेट के हिसाब से। इसलिए हम रेकमेंड नहीं करते हैं आपको कि आप एडवर्ड्स का इस्तेमाल करके इसे प्रमोट कीजिए। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो बहुत से टिप्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल करके एडवर्ड्स से ही प्रमोट करके कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, कभी नहीं किए, वो मत कीजिएगा, यह बेहतर होगा। हाँ, हम उन यूट्यूबर्स के बारे में कहना चाहेंगे जो कि बिल्कुल नए हैं और उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो उनके लिए मैं ये टिप्स दूंगा कि अगर आप वीडियो को थोड़ा पहले, आप लोग जो है तुरंत 2 दिन पहले पब्लिश मत कीजिए, 1 दिन पहले पब्लिश मत कीजिए, आप लोग जो है क्या कीजिए, कम से कम 1 सप्ताह पहले पब्लिश कीजिए। पब्लिश इसलिए कीजिए क्योंकि हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी जो एक्टिव ऑडियंस बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे उस दिन भी करने पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले करने से फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है आपका वीडियो वायरल हो जाए उस दौरान, ठीक है, और वायरल होगा उस दौरान क्योंकि एल्गोरिथम नए यूट्यूबर्स को सपोर्ट करता है, तो अगर वायरल होगा तो अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। इसलिए आप लोग नए यूट्यूबर अगर हैं तो आप 1 सप्ताह पहले पब्लिश कीजिए, यानी एक आजकल में कर दीजिए, और अगर आप पुराने यूट्यूबर हैं, आपके ऑडियंस हैं अच्छे खासे, तो आप 1 दिन पहले कीजिए, 24 घंटे पहले कीजिए, और हर रोज़ कम्युनिटी टैब में शेयर किया कीजिए।
इसके अलावा एक चीज़ और कहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका ब्यूटी का चैनल है या फिर कुकिंग का चैनल है, तो आप लोग भी कर सकते हैं, हर लोग कर सकता है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन पे हर चीज़ बिकता है। अगर ब्यूटी चैनल है तो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आप रेकमेंड कीजिए, अगर आपका किचन का चैनल है खाना बनाने का, तो बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, ओवेंस हो गए, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि लोग परचेस करना चाहते हैं उस दौरान, फ्रिज हो गया या फिर जो कुछ भी हो गया, वो आप उस चीज़ का एक वीडियो बना सकते हैं उस दिन, और अच्छा खासा देखिए बनाइएगा जरूर, और देखिए कितना सच बोल रहा था, देखिए कितना अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, इन सब टिप्स को फॉलो कीजिएगा, और आई होप कि आपका ये दिवाली जो है बहुत अच्छा से बीते। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।